टाइम्स नाउ एंकर को एक्टर ने बताया दोगला, ट्वीट वायरल होने पर जनता ने लिया आड़े हाथ। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। बीबीसी की प्रेस टीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया था कि इनकम टैक्स की टीम अभी भी उसके दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस में मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स टीम ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस की तलाशी ली। टीम ने कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। इनकम टैक्स के अधिकारी 2012 से लेकर अब तक के अकाउंट डिटेल्स की जांच कर रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी के एक प्रवक्ता ने बताया, इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी नई दिल्ली और मुंबई के बीबीसी ऑफिस में अभी भी मौजूद हैं। कई कर्मचारी अपने घर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को रुकने को कहा गया है। हम सभी लोग जांच में सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले बीबीसी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया था। कहा गया, इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई के बीबीसी ऑफिस में हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। बीबीसी ऑफिस में इनकम टैक्स सर्वे को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे जहां देश हित में बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर अपने अपराधों को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच टाइम्स नाउ एंकर सुशांत सिन्हा ने कुछ बोल दिया, जिसके बाद उन्हीं के पुराने बयान लेकर जनता ने उन्हें ट्रोल कर दिया। एंकर सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया, बीबीसी पर अब तक छापे ही पड़ रहे हैं, गजब है। इस एंटी इंडिया दो कौड़ी के संस्थान को लतियार कर बाहर करने में इंतजार किस बात का है। वहीं एंकर सुशांत सिन्हा अपने 2017 के ट्वीट में कह रहे हैं, बीबीसी और इंडिया न्यूज अब आ रहे हैं साथ 2 अक्टूबर से हर शाम 6 बजे दुनिया भर की खबरें जो आप तक बीबीसी हिंदी और इंडिया न्यूज मिलकर पहुंचाएंगे। टाइम्स नाउ एंकर के इन ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल आर खान ने कहा, ये साबित करता है सुशांत सिन्हा कितना बड़ा दोगला है। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया, सुशांत सिन्हा जी अपने पुराने ट्वीट देखिए, जिस बीबीसी को आज आप दो कौड़ी का बता रहे हैं, पहले आप उसी बीबीसी के कसीदे पढ़ रहे थे। मंजूल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, पहले ये बीबीसी को बेहतर मानते थे, अब बराबर का मानते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने ट्वीट किया, 7 साल पहले बीबीसी को लेकर गौरवान्वित होते सुशांत सिन्हा, तब तक पैकेज नहीं मिला था क्या। धर्मेश शर्मा नाम के एक यूजर ने एंकर सुशांत सिन्हा को लेकर कहा, वाह भाई वाह, ये भाई साहब वही सुशांत सिन्हा है जो बीबीसी की खबरें ही दिखाने की बात करते थे, अब क्या हुआ इन्हें, ऐसी कैसी चाटुकार पत्रकारिता। ये भाई साहब अब रोजगार, विकास, गरीबी, शिक्षा और समाज के भले की बात नहीं करते, बस इनको एक आदमी को बचाने का काम दिए हुए है और हिंदू मुस्लिम करने का। बीबीसी ऑफिस में इनकम टैक्स सर्वे पर एंकर सुशांत सिन्हा के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर जरूरी अपडेट आप तक पहुँचती रहे।